हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेक श्योर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड बटन आपको दिखेगा सब्सक्राइब का, हिट दैट बटन। सो एज यू नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 और अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 76 पे। अगर आप मुझे लास्ट वीडियो से फॉलो कर रहे हो तो लास्ट पेज 74 और 75 पे आपने देखा था कि हमने मिरर की हेल्प से कैसे हमने सॉल्व करे थे क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, अगेन मिरर की हेल्प से करेंगे। बट बिफोर दैट क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ मैं आपके लिए। विंकी हैज मेड अ रेड एंड व्हाइट शेप, मेक अ लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दी शेप। लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स। तो फर्स्ट वाला आपके लिए ए पार्ट किया हुआ है, साथ में उसने बताया कि कैसी इमेज मिल रही है। तो यहाँ पे इसको ओरली डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, फटाफट से अपनी मिरर ले आते हैं एंड उसमें अच्छे से समझ के क्वेश्चन सॉल्व करते। सो लेट्स गेट टू द फन पार्ट। सो यहाँ पे भी हमें सेम चीज करनी है। फर्स्ट वाला हमारे लिए हो रखा है, देखो ये हमें आउटपुट चाहिए, लाइन यहाँ पे दिया। अब इसमें देखो मैं आपको मिरर की हेल्प से समझा तो रही हूँ बट हम यहाँ पे साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे कि मिरर कहाँ रखना है, ये कैसे पता चलेगा, ताकि आपके पास अगर मिरर नहीं भी है तब भी आप इसको सॉल्व कर सको। अब ए पार्ट तो आपके लिए हो रखा है, यहाँ पे आपको लाइन दे रखी है। सो सिंपली मैं यहाँ पे मिरर रखूंगी, आप देख सकते हो आपको शेप यहाँ पे एग्जैक्ट सेम इस तरह से मिल रही है। सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी हो रखा था। बी पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कहाँ होना चाहिए। सो अगर मैं बी पार्ट देखूँ तो मेरे पास एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, मुझे इधर ढूंढना पड़ेगा कि इस तरह का पार्ट कौन सा है। तो इस तरह का पार्ट हमें ये वाला दिख रहा है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि मुझे ये पार्ट तो नहीं छुपाना, ये पार्ट दिखना चाहिए। तो मिरर को मैं अब यहाँ से भी इतना पार्ट चाहिए, तो मिरर को मैं कहाँ प्लेस करूँगी, आई विल प्लेस इट हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आई होप क्लियरली दिख रहा हो। ठीक है, इस तरह से प्लेस करूँगी। अगर मेरे पास मिरर नहीं भी होता तब भी मुझे पता चलेगा कि ये पार्ट सेम है, इसकी मिरर इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मेरी कहीं लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये जो हम लाइन होती है जहाँ पे मिरर इमेज देखते हैं, वो हम इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये फिर दोनों पार्ट सेम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट अगर हम देखें, सॉरी सी पार्ट है पहले हमारे पास। अब ये हमारे पास फिगर है और इसका आउटपुट कैसा है, इस तरह का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ये बच रहा है, मतलब सिर्फ ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये तो हाइड हो जाएगा, तो मुझे इसको इस तरह से कुछ रखना पड़ेगा। आई जस्ट मूव माई बुक ताकि आपको ये क्लियरली दिख सके। सो इस तरह से आप देख सकते हो, जब हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो दैट मीन्स जो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होगी दैट विल बी समवेयर हियर। ओके, डी पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह का रहा है, ये तो सेम है, यहाँ पे देखो ऐसे कट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये पार्ट कहाँ पे है। सो अगर हम इस पार्ट की बात करें तो कौन से पार्ट को हम देखें जो इस तरह से अपीयर होगा। सो अगर मैं इस वाले पार्ट, इधर वाले पार्ट, क्योंकि ये तो ऊपर ऐसे है जैसे ऊपर वाले पार्ट में था, तो मींस ये पार्ट छुप जाना चाहिए, तो मिरर को मुझे इस पे फोकस करके रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं मिरर को प्लेस करती हूँ, सो यू विल सी, तो हमें यहाँ पे क्लियरली इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। तो इसके लिए दैट मीन्स हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हो गई। ठीक है, मूविंग टू द लास्ट पार्ट। अब इसमें देखो आउटपुट कितना खतरनाक सा लग रहा है कि ये शेप हमें कैसे मिलेगी। तो उसके लिए अगेन हमें देखना है कि यहाँ पे अगर मैं इसी को ही कट कर दूँ तो यहाँ और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो मुझे ये वाला पार्ट ढूंढना है। तो इसके लिए पता है क्या होगा, अगर सो मिरर को हमें यहाँ पे लेना होगा। ऑल्सो आप देख सकते हो ये वाले पार्ट से हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये पार्ट है, तो हम मिरर को कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे कि ये हमें ऐसा आउटपुट दे। आई होप दिस इज विजिबल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि हमें ऐसा आउटपुट मिल रहा है। तो उसके लिए हमने मिरर को कहाँ प्लेस किया, ये ट्रायंगल लेते हो और नीचे वाला ट्रायंगल लेते हो, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लेस होगा। ओके, सो ये था हमारा लास्ट पार्ट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 76। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो फॉलो मी टू द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू अगेन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।